अगर आपकी एज भी 17 से 25 के बीच की है और आप भी यह सोचते हो कि यार मैं गर्ल्स को देखकर उनकी तरफ अट्रैक्ट क्यों होता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप बॉय हो तो आपको गर्ल्स की तरफ अट्रैक्शन ज़रूर होगा और अगर आप एक गर्ल हो तो आपको बॉय की तरफ अट्रैक्शन ज़रूर होगा। यह प्राकृतिक नियम है, यह आज से नहीं कई हजार साल पहले से चला आ रहा है, तो हमें इन सब चीज़ों पर टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे कोई किसी को देखता है और बोलता है यार मुझे इससे प्यार हो गया, लव हो गया, वह भी अट्रैक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन के कारण ऐसा होता है, जब डोपामिन रिलीज होता है तब आप सोचते हो कि यह फीलिंग तो बहुत अच्छी है, यही लव है, लेकिन वह लव नहीं होता है, वह अट्रैक्शन होता है। लेकिन कोई इसे समझने के लिए तैयार नहीं है, लोग प्लेजर के लिए गलत काम कर रहे हैं। आज सभी लोग खुश रहना चाहते हैं लेकिन काम वैसा नहीं करते हैं, अपने शरीर के सबसे कीमती धातु को, वीर को बर्बाद करते हैं। कुछ सेकंड का प्लेजर तो पा लेते हैं लेकिन बाद में बहुत पछताना पड़ता है। 17 से 25 का समय हमारे लिए गोल्डन टाइम होता है। अगर हम इस समय में यह सब गलत काम करेंगे तो फिर करियर पर फोकस कैसे करेंगे, जीवन तो बर्बाद होना पक्का है, तय है। 17 से 25 तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य एक ऐसा रास्ता है जो आपको बचा सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन तो कोई कर नहीं रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने में व्यस्त हैं। मेरी बात आप याद रखना, जो भी ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह जीवन में खुश रहता है, जीवन में सफल होता है। और जो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में फंसे रहते हैं वह बहुत पछताते हैं। जीवन तो उनका बर्बाद होता ही है, उनका समय भी बर्बाद होता है, इसलिए आप समझदार बनिए, अपने लाइफ के साथ मजाक मत कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो में बताई गई बातें समझ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आई एम एडी मैन, आई एम ऑन मिशन। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।